नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि दूध कहाँ से खरीदें या कहाँ से अपने घर में लाया जाए। इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि दूध खरीदो, मैं कुछ और तरीके भी बताऊँगा जो कि आपके घर में दूध कहाँ से आए उसको बताते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका होगा गाय पाल लो। सुन करके तुम्हें लगेगा कि यार इसने शुरुआत ही बकवास से करी है, गाय कोई पाली जाती है कि आजकल कौन गाय पालता है, गाय पालने के बाद में कितनी माथापोड़ी होती है, कितना काम करना पड़ता है उसका पोटा गोबर, गाय का चारे वगैरह का ध्यान रखना, दूध कौन दुएगा, इतनी सफाई कौन करेगा, उसके लिए अलग से जगह चाहिए होती है, ये सब लग रहा होगा तुम्हें। पर जब मैंने इतना सब सोच रखा है तो वो भी मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कुछ तो सोच के बोल रहा हूँ। अच्छा, गाय पाल लें क्यों भाई, गाय क्यों पाल लें, कैसे पाल लें, गाय थोड़ी ऐसे पाली जाएगी, आजकल भी कौन पालता है। देखो, सबसे पहले तो आजकल कौन पालता है, तो आजकल तो बहुत लोग मतलब बहुत अजीब अजीब बीमारियाँ भी हो रही है लोगों को, तो आजकल से मत नापो, हमारे पूर्वज पालते थे। अच्छा ठीक है, अगर मेरे कहने से एक बार ये सोच के देखो कि तुम गाय पालोगे तो तुम्हें क्या दिक्कतें आ सकती है, एक बार सोच के देखो कि गाय पालने के बारे में सोच के देखो एक बार। क्योंकि पहली बार जब मैंने सोचा था गाय पाल लो तो मैंने सोचा यार ये कोई हो पाता है यार, गाय कोई कौन ध्यान रखेगा, और ये सब सोचा मैंने भी, यही सब सोचा था। देखो, इसको थोड़ा सा परेशानी को तोड़ते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तीन जगहों से हो सकता है, एक तो वो गाँव का हो सकता है, एक वो कोई छोटे या थोड़ा सा मध्यम से शहर का हो सकता है, एक वो कोई बड़े शहर का हो सकता है। अगर वो गांव से है तो गांवों में लोगों के पास में क्या है, काफ़ी ज़मीन होती है, थोड़े बड़े घर होते हैं, खुली ज़मीनें होती हैं गाय रखने के लिए, गांव में गाय पालना आसान है। तो अगर आप गांव से और अपनी गाय नहीं पाल रखी है, आप कोई भी ऐसी जगह से दूध खरीद लेते हो तो गाय पाल लो, तुम्हारे लिए पालना आसान है, तुम्हारे लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आती है बात कोई छोटे शहरों में जो रहते हैं या थोड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जो कि मेट्रो में नहीं रहते या बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई कलकत्ता में नहीं रहते और ना एकदम गांवों में रहते, जो बीच के शहरों में रहते हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे शहरों में जो लोग रहते हैं वो आमतौर पे फ्लैट वगैरह में नहीं रहते, वो बिल्डिंग में नहीं रहते, वो अपना खुद का घर लेकर के रहते हैं, मतलब उनका खुद का घर होता है, उनकी ज़मीन होती है उस पर उनका खुद का अकेले का घर होता है, उसमें वो रहते हैं, आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो उसमें क्या है कि या तो तुम्हारा घर पहले से बन चुका है या तुम आगे जाकर अपना घर बनवाओगे। अगर तुम्हारा घर पहले से बन चुका है तो उसमें अगर तुम कोशिश करो कि थोड़ी सी जगह, एक छोटे से कमरे के बराबर की जगह चाहिए होती है गाय पालने के लिए लगभग, तुम उसमें गाय पाल सकते हो। देखो, कोशिश करो कि वहाँ पे तुम अगर गाय को एडजस्ट कर पाओ तो। अगर तुम नया घर बनाने वाले हो तो कोशिश करना कि तुम वहाँ पे इतनी जगह रखो कि एक गाय के हिसाब से बड़ा, गाय का जो बड़ा होता है उसमें गाय रहती है और गाय का सारा काम वाम होता है, वो कच्ची ज़मीन वैसी रखने की कोशिश करना अगर तुम नया घर बनाओ। हो सकता है तुम कहो कि यार आजकल ज़मीनें कोई सस्ती तो है नहीं कि हम उसमें घर ही बनाना मुश्किल पड़ रहा है, तो उसके लिए मुश्किल से ज़मीन खरीद पा रहे हैं, लाखों करोड़ों की ज़मीन आती है, उसमें गाय के लिए ज़मीन कहाँ से लाएँ। बात तुम्हारी ठीक है, असलियत में कोई बड़ी बात नहीं है, सच बात है। और अगर तुम्हारा पहले से घर है उसमें जगह नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं कि अगर तुम इन कारणों से गाय नहीं पाल पा रहे तो। बड़े शहर में रहते हो तो बड़े शहरों में क्या है, आमतौर पे लोग बिल्डिंग में फ्लैट लेके रहते हैं। अगर तुम खाली एक बिल्डिंग में फ्लैट लेके रह रहे हो, तुम्हारी कोई सोसाइटी वगैरह नहीं है, तो तुम ऐसा गाय नहीं पाल पाओगे मेरे ख्याल से, जितना मैं सोच पाया हूँ उस हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम कोई बड़े शहर में सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे एक या कई सारी बिल्डिंग होती है, पूरा वहाँ पे गार्डन होता है, वो पूरी उसकी बाउंड्री होती है, उसमें पार्किंग की जगह होती है, सोसाइटी होती है ना, उसमें क्या सोसाइटी की एक मेंटेनेंस की कमेटी होती है, सोसाइटी की पूरी कमेटी होती है, सेक्रेटरी होता है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि तुम कई सारे सोसाइटी के जने मिल करके, सोसाइटी में काफ़ी खाली जगह भी होती है तो वहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह में सोसाइटी के लोगों के हिसाब से वहाँ पे गाय रख सकते हो कई सारे जने मिल करके, तो अपनी सोसाइटी में बातचीत करके ऐसा कर सकते हो, गाय पाल सकते हो। और अगर तुम गाय पालते हो तो तुम्हारा अगला सवाल होगा कि यार गाय का पोठा साफ करो, मतलब गोबर साफ करो, गाय का दूध दुओ, सुबह शाम दोनों टाइम करो, फिर मतलब गाय बीमार हो जाए तो उसका ध्यान रखो,
गाय की सेवा में टाइम लगता है, उसके चारे का टाइम टू टाइम ध्यान रखो, ये सब कौन करेगा। तो देखो यार, ऐसा कहूँगा मैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ही महाकाल वाला काम है, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, धरती फटफट आ जाएगी कि ऐसा काम करेंगे तो, या फिर ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे पूर्वज करते ही आ रहे थे। नहीं तो अभी पिछले कुछ 50-60-70 सालों में ये चीज़ कम हुई है मेरे ख्याल से। तो इसके लिए तुम एक आदमी रख सकते हो, अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसे हैं तो तुम एक आदमी रख सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता गाय के लिए आदमी रखना। तुम एक आदमी रख सकते हो, वो तुम्हारे लिए कर सकता है, तुमको क्या आदमी के भी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो ऐसा है कि तुम अगर सही ढंग का दूध पियोगे और बाहर से भी वो खरीद के लाओगे, ढंग का दूध अगर सही में असली दूध लोगे तो वो भी तुम्हें कोई सस्ता नहीं पड़ेगा, 40-50 रुपये किलो तक पड़ता है वो, तो तुम्हें लगभग लगभग गाय पालने में भी वो लगभग लगभग उतना ही पड़ेगा। तुम बाहर से सिर्फ दूध थोड़ी ला लो, दूध दही छाछ घी मक्खन ये सब तुम्हारे घर में ही होगा, तो इन सब के जो पैसे तुम्हारे बाहर लग रहे हैं वो तुम्हारे घर में गाय के चारे में लगेंगे, गाय को पालने में लगेंगे और गाय के जो आदमी रखा उसमें लगेंगे। और एक तरीका भी ये भी है कि तुम सोचो कि आदमी किसी दिन नहीं आया, मैं आदमी नहीं रख सकता, तो तुम खुद भी कर सकते हो गाय का जो काम है। अब तुम कहोगे यार गाय के कोई बदबूदार पोठे और गोबर साफ किए जाते हैं क्या, ये कोई सब हमारे घर के काम है क्या, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम कह सकते हो सारी बात है। लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा समझदार थे काफ़ी, वही सब काम करते थे, घर का काम करने में खास शर्म नहीं है, ये तो एक बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें लग रहा है ये सब गंदे काम हम करेंगे क्या, ये सब सूगले काम गंदे काम हम करेंगे क्या, तो तुम्हें बता दूँ कि बीमारी में आदमी के शरीर में बदबू भी बहुत आती है और तकलीफ भी बहुत होती है, और ये बीमारियाँ काफ़ी गलत तरीके के दूध से आ रही हैं। तो तुम उन बीमारियों में या तुम्हारे परिवार को उन बीमारियों में खराब दूध पिला पिला करके डाल दो, उन बीमारियों में फंसा दो या खुद फंस जाओ, और तब तुम्हारे शरीर से अजीब अजीब चीज़ें होए, शरीर में अजीब अजीब चीज़ें और शायद बदबू मारने लग जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी हो जाए मान लो, तो उससे अच्छा है तुम ये घर का काम समझ के कर लो और गाय की सेवा का पुण्य भी अलग से मिल जाएगा तुम्हें। मेरी भाषा में तो सीधी सीधी बात यह है कि जो देसी आदमी है वो सुखी आदमी है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे के नाम पे ऊहा पोहा करता है, जो ज़्यादा यूँ फैलने की कोशिश करता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं करूँ, मैं वो नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ से उठा के क्यों रखूँ, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, इसने मेरे को ऑर्डर कैसे दे दिया, ये वो जो इतना सब सोचता है ना, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जो देसी आदमी है ना वो सुखी आदमी है मेरे हिसाब से, तो मैं ये कहूँगा देसी बन के रहोगे सुखी रहोगे। अब आती है बात के जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पे, जो छोटे शहरों में रह रहे हैं लेकिन घर में जगह नहीं है या फिर इतना बड़ा घर नहीं ले सकते कि उसमें एक छोटा कमरा अकेले रख दे, उनकी बात भी कर लेंगे। पर जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उनके लिए कह दूँ कि अगर तुम छोटे शहर से या कोई मध्यम स्तर के शहर से हो, तो आजकल क्या हो रहा है, मोदी जी के आने के बाद काफ़ी लोग अपने ही शहरों में जाकर के उनको वहाँ पे गए। अब क्या है, जो थोड़े छोटे या मध्यम शहर है उनमें भी लोगों ने अपने व्यापार चालू किए हैं तो रोज़गार बढ़ रहा है, तो लोगों को अपने शहरों में नौकरियां मिल रही है, तो लोग क्या बाहर भारत के बाहर या फिर बड़े शहरों की तरफ भागना धीरे धीरे थोड़ा कम कर रहे हैं, तो अपने शहर में रह करके काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो अपने शहर में कोशिश करो, अपने शहर में आ जाओ, क्योंकि लोग बड़े शहर में पैसे के लिए जाते हैं, एक ही कारण है पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन बड़े शहर में जाने के और नुकसान भी जो मैं अभी तुम्हें गिना देता हूँ, तो तुम कोशिश करो कि तुम अपने शहर में आ जाओ और वहाँ पे ही सेट हो जाओ। सबसे पहले तो तुम्हें परिवार के साथ में रहने के लिए मिलेगा, ज़्यादातर लोग जो बड़े शहर में जाते हैं वो परिवार से अलग हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग। बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, प्रदूषण में जितना मुझे ध्यान है, मैंने कहीं पर पढ़ा था या सुना था कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि अगर आप वहाँ पे पूरी ज़िंदगी जियो तो सिर्फ वहाँ पे सांस लेने से आपकी 10 या 20 साल उम्र कम हो जाएगी, जितना मुझे याद है, अगर हो सकता है एग्जैक्ट यही नंबर ना हो पर फिर भी मुझे कुछ ऐसे याद आ रहा है, पर प्रदूषण में सांस लेने से आपकी उम्र कम होती है, ये बात पक्की और काफ़ी कम होती है, तो तुम क्यों वहाँ पे रह करके अपनी सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ करना चाहोगे। फिर तुम्हारा ये आएगा कि बड़े शहरों में पैसे बहुत कमा सकते हैं यार, पैसा जरूर ये सब छोड़ो, क्या दूध के लिए हम शहर छोड़ेंगे क्या, तुम ये बात कह सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा है कि दूध के लिए दुनिया छोड़ने से अच्छा दूध के लिए शहर छोड़ दो दूध के कारण दुनिया से छोड़ने से अच्छा दूध के लिए शहर छोड़ दो, और दूध के कारण अपने घर परिवार वालों को बीमारी या और
और भी उससे कोई बड़ी चीज़ देने से अच्छा है कि तुम उन्हें एक अच्छा दूध दे दो और उन्हें बीमारी से और मौत से दूर रखो। ठीक है, अच्छा ठीक है। कम बाहर पैसे कमाने जा रहे हैं, बात ये थी। तो देखो ऐसा है कि बाहर मैं भी रहा हूँ, मैंने बाहर पैसे कमाए हैं, पर मुझे ये बात समझ आई कि बाहर आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हो ना, और आप छोटे शहर में ठीक ठाक पैसे कमाते हो, लगभग बराबर है, क्योंकि बाहर के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर महंगाई भी ज़्यादा होती है। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर महंगाई भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो आप मतलब छोटे शहर में ठीक ठाक कमा रहे हो, बड़े शहर में काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हो, तो लगभग आपको बराबर हो जाएगा। हो सकता है बड़े शहर का फिर भी थोड़ा ज़्यादा पड़े, आप बचा पाओ, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा कमाओगे बड़े शहर में तब बचा पाओगे। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हो सके तो अपने शहर की तरफ आने की कोशिश करो। क्यों वहाँ पे परिवार से दूर, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये प्रदूषित सांस लेकर के अपनी ज़िंदगी कम करना, और बदले में मिल क्या रहा है एकदम थोड़े से पैसे, जो कि तुम्हें कोई ये प्रदूषण और उल्टी सीधी चीज़ें वहाँ पे बड़े शहरों में खाने पीने के कारण, या बड़े शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो टेंशन होती है उसके कारण, जो कि तुम्हें कोई बीमारी लग गई मान लो, तो जो तुमने थोड़े से पैसे बचाए वो उसमें खर्च हो जाएंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी खर्च हो जाए। तो अपने भले के हिसाब से सोचो, ये कोई बेवकूफ़ी वाला निर्णय नहीं है, थोड़ा समझदारी का ही निर्णय है। तुम अपने शहर की तरफ आने की कोशिश करो, वहाँ पे पैसे कमा सकते हो। और वैसे ही बाहर जाकर के दिल्ली बम्बई में कितने लोग बच जाएंगे यार, पूरा भारत थोड़ी बच सकता है। और वैसे भी लोग अब आना चाह रहे हैं मोदी जी के आने के बाद, जैसे 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 छोटे छोटे शहरों में लोग अपना अपना व्यापार कर पा रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उनको वैसे रोज़गार मिल रहा है, और जो नौकरी कर रहे हैं उन व्यापारियों के यहाँ पे उनको वैसे रोज़गार मिल रहा है, तो लोग आना चाह रहे हैं अपने शहरों में। ठीक है, चलो मान लेते तुम कहोगे ना मैं तो शहर अपने शहर में वापस नहीं आ रहा, मैं तो बड़े शहर में ही रहना है मेरे को, ठीक है। और तुम कहोगे कि नहीं तो हम तो छोटे या मध्यम शहर हो गए पर हमारे पास इतनी जगह नहीं है गाय पालने, ठीक है। तो बाकी जो भी तरीके हैं वो सब मैं बता देता हूँ जो जो मेरे दिमाग में आएंगे। दूध कहीं और से लाओ, तो जिसके यहाँ से दूध ला रहे हो उसके यहाँ पे जब वो दूध दूहता है, जब वो गाय का दूध दूहता है, तब उसके सामने रह करके दुआओ। अब तुम कहोगे ऐसा होता थोड़ी, ऐसा होता है, मैं जिस शहर में रहता हूँ राजस्थान में उसमें ऐसा होता है, उसमें समझ लो पूरा समाज ही आज भी ऐसे बहुत लोग करते हैं, और पूरा समाज ही ऐसा करता था लगभग आज से 10 15 20 25 साल वाले, धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग हो गए, बाहर चले गए, आलसी हो गए, तो लोगों ने करना कम कर दिया, पर ऐसा बहुत प्रचलित चीज़ है, बहुत पॉपुलर चीज़ है, बहुत होता है ऐसा। सुबह शाम दोनों टाइम लोग अपनी बर्तन लेकर के जाते हैं, कोठी लेकर जाते हैं, दूध लेकर के आते हैं उसमें, जिसको बर्निंग करते हैं उसमें लोग दूध लेकर के आते हैं, सामने दुआते हैं उससे, वो जो दुआरा होता है वो सामने एक देखते हैं पहले कि भाई बाल्टी में पहले से कुछ पानी वानी तो नहीं है, उसी बाल्टी में वो दूहता है, उस बाल्टी से दूध ले लेते हैं, या फिर जिस टंकी में वो दूध रखता है देख लेते हैं कि इसमें पहले से पानी वानी तो नहीं डाल रखा है इसने, और फिर वो उसमें दूध डालता है तो उस टंकी से ले लेते हैं। कई कई लोगों ने तो अपनी गायें पक्की कर रखी होती है कि मैं आऊँगा इसी गाय का, मैं जब आऊँगा तो इसी गाय का दूध दूह करके मेरे को देना। ये दूध तुम्हें आमतौर पर बाहर बाजार में जो दूध मिलता है उससे थोड़ा महंगा पड़ेगा, जैसे इस शहर में अगर हमारे घर का जो दूध देके जाएगा वो करीब 28 रुपये में देता है, तो ये जो सामने दुआ करके दूध लाता हूँ मैं वो 40 रुपये का पड़ता है, क्योंकि जो घर पर देके जा रहा है वो उसको 28 रुपये में, इसलिए घर पर देना मतलब आने जाने का तेल भी उसको इसलिए पोसा जाता है, मतलब उसको इसलिए मतलब उसमें इसलिए कमा लेता है क्योंकि वो उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं, पानी डाल देते हैं, ये सब कर लेते हैं, या फिर सस्ते तेल डाल देते हैं जिससे मलाई रह जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम महंगा दूध लोगे तो तुम्हें पड़ेगा थोड़ा नॉर्मल दूध से महंगा, लेकिन उस दूध से तुम अपना दही छाछ घी मक्खन और ये छीना और ये सब बना सकते हो, तो और दूध तो तुम्हें मिल ही रहा है, तो तुम्हारे वो पैसे वसूल हो जाएंगे तुम। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई। और हाँ, ये जो दूध तुम लेकर के आओगे इसमें तुमने बाल्टी देख ली, उसकी टंकी देख ली, सब देख लिया, ये सब तो ठीक है, पर तुम ये नहीं देख पाओगे कि रात को जब तुम आनी होते दिन में जब तुम आनी होते तो उस गाय को इंजेक्शन देता है कि नहीं, गोपे देता है कि नहीं, मतलब इंजेक्शन से सकते हो वो हार्मोन उसके अंदर डालता हो गाय के अंदर, तो वो तुम्हारे दूध में आ सकते हैं, वो तुम नहीं देख पाओगे इससे। अच्छा, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अरे यार कोई सुबह शाम पता नहीं इसके शहर में करते होंगे, पर कोई सुबह शाम इतने
हमारा तो इतना बिजी रूटीन है, इतने व्यस्त रहते हैं हम, सुबह शाम जा करके कोई सामने गए दुआ करके लाया जाता है कि पूरे दिन में कोई दो टाइम का काम जोड़ दूंगा तो मेरे कितना, और वो भी 7ों दिन करना है, पूरे महीने करना है, कितनी दिक्कत हो जाएगी, कितना टाइम खराब हो जाएगा, तो ये सब लग रहा है। हालांकि ये बहुत लोग करते थे और आज भी करते हैं, तो ये मतलब तुम्हारे रूटीन में आ जाएगा ना, तुम्हारे दिनचर्या में आ जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। शुरू शुरू में लगता है, करने के बाद में ऐसा नहीं लगता, तब तो लगता है यार चलो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार पड़ जाओगे मान लो तो, अभी तो सिर्फ दूध वाले के यहाँ से दूध लाने के चक्कर है, फिर डॉक्टरों के चक्कर होंगे, हो सकता है अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है किसी को, फिर दवाइयों के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, वो सब टाइम भी तो लगेगा तुम्हारा, और बीमारी में जो शरीर में तकलीफ होगी वो अलग, उससे अच्छा तो ढंग का दूध लो मेरे हिसाब से। तो अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते कि सुबह शाम कौन जाएगा, तुम चाहते हो कि घर पे ही कोई दूध पहुंचा जाए बहुत अच्छा होगा, तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि, या फिर तुम ये कहोगे तुम्हारी आंखों के सामने वो दूध दूहने से मना कर रहा है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा जो तुम्हें दूध वाला आंखों के सामने दूध दूहने से मना कर रहा है वो भरोसे के लायक नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आंखों के सामने ही दुहाना होता है, इसीलिए ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, वरना कम पैसों में तुम्हें बाहर भी मिल जाएगा। लेकिन तुम अगर कहोगे नहीं, मैं जा जा करके नहीं ला पाऊंगा, मैं तो किसी घर पे दे जाएगा, तो मैं तुम्हें कहूँगा तुम किसी एक ऐसे इंसान को से ही लो जिस पे तुम्हें सही में बहुत भरोसा हो, जाऊँगा जिसमें तुम्हें लगे कि हमें धोखा नहीं देगा, ये खोटे काम नहीं करता है, उल्टे सीधे काम नहीं करता, तुम ऐसे किसी इंसान से खरीदो, मैं तो यही कहूँगा। और ऐसे दूध वाले से मत खरीदो जो तुम्हें कहते हैं अरे भाई साहब बहुत बढ़िया ले लो ले लो ले लो, अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई साहब मेरी गारंटी है भैया बहुत बढ़िया दूध है, ऐसे वो जो मक्खन लगा इस तरीके उसे लेने की, सिर्फ उन्होंने मक्खन लगाए इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, अपनी परख करो कि सही में बहुत भरोसे के लायक है तभी लो। अगला है कि तुम्हें भरोसे वाला भी कोई नहीं मिल रहा, ऐसा होता है बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके साथ में भी होता है, कि एक बार छोटे शहरों वाले के साथ भी होता है कि भरोसे वाला नहीं समझ आ रहा कौन सा भरोसे वाला। तो देखो यार आखिरी तो इलाज ये है कि जो मिल रहा है घर पे आकर के दे रहा है उसे ले लो, या तो उसका दूध चेक करके देख लो ठीक है कि नहीं है, तुम्हें अगर समझ आ रहा है थोड़ा बहुत तो दो तीन जनों से लेके देख लो, ये इलाज है। उसके अलावा जा करके किसी से लेते हो तो जो भी खुला दे रहा है उससे ले लो, पहले मैं कहूँगा जो खुला दे रहा है उससे ले लो, फिर वो भी अगर तुम्हें नहीं है, तुम बड़े शहर में रह रहे हो, खुला भी दूध कोई नहीं देता, घर पे भी कोई नहीं पहुँचा पाता, तो फिर पैकेट वाला आखिरी ऑप्शन बचता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि तुम खुला दूध जिससे ले रहे हो जो घर पे पहुँचा रहा है या जो तुम पैकेट का दूध पी रहे हो, इसमें इन दूधों को पीते हुए इस बात का ध्यान रखना कि ये दूध पीने से तुम्हारे शरीर को कुछ फायदा होगा, इसलिए तुम ये दूध पी रहे हो, कि शरीर के लिए दूध जरूरी है, आयुर्वेद के हिसाब से शरीर अच्छी सेहत के लिए दूध जरूरी है, तुम इसलिए पी रहे हो, इन दूधों को पीने से तुम्हें फायदा होगा तुम ये सोच करके पी रहे हो, तो इन दूधों को पीने से तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या सोचते हो, तुम ये भी सोच सकते हो कि इस दूध को पीने से मुझे थोड़ा बहुत नुकसान हो तो कोई बात नहीं पर इससे फायदा होगा तो मैं पी लेता हूँ, और तुम ये भी सोच सकते हो यार उस दूध को पीने से जितना फायदा हो उससे ज्यादा तो नुकसान हो सकता है, तो दूध पीना ही रहने देते हैं, जब तक इस तरीके का दूध मिल रहा है तब तक रहने देते हैं, तुम्हारी इच्छा है, तुम इस पर क्या सोचते हो। अब रही बात, तुम कहोगे कि यार मैंने कहा था कि गाय पाल ले, गाय पाल लो, तो देखो ये जो सामने अपनी आंखों के सामने दूध दुआ करके लाने वाला काम, ये मेरे को जब समझ आई कि दूध में दिक्कत है उसके बाद मैंने चालू कर दिया, अपनी आंखों के सामने दूध दुआ करके लाता था, और अभी से कुछ समय बाद आगे गाय पालने की भी भावना रखता हूँ। तो तुम कहोगे कि तू सिर्फ हमें लेक्चर दे रहा है तू खुद क्या करता है, तो तुम्हें बता दूँ कि अपनी आंखों के सामने दूध दुहाने वाला काम मैंने कुछ टाइम पहले चालू कर दिया था, और आगे जा करके खुद के घर में गाय पालने के भाव रखता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा ये कहना है कि यार इतना सब कौन करेगा यार, दूध के लिए दूध है कि क्या, मतलब ऐसे एक बार पहाड़ हो गया, दिन भर में इतना सब खाते पीते हैं यार, दूध के लिए इतना परेशान हो गया, देखो इतनी परेशानी नहीं है, पुराने वाले लोग बहुत ही उनके दिनचर्या में आ जाता है ना तो इतनी परेशानी होती नहीं है, बहुत आम बात हो जाती है, वो लगता ही नहीं परेशानी अभी, लेकिन तुम्हें फिर भी लग रहा है इतना सब कौन करेगा, तो मैं ये कहूँगा कि तुम अगर खुद के लिए नहीं करना तो मत करो, तुम्हें खुद की सेहत के साथ खिलवाड़ करना है या बीमारियाँ लेनी है या तुम्हें आगे कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ में कुछ भी दिक्कत लेनी है तो तुम्हारी इच्छा है, पर अपने परिवार वाले को सोचो, अपने माँ बाप का जो कि बूढ़े हैं जिनके सेहत पे असर होने की ज़्यादा संभावना है, अपने सगे भाई बहन का, अपने पत्नी या पति का, और अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं या 10 11 15 साल के बच्चे हैं जिनकी बढ़ती उम्र है जिनको खराब सामान देने से उनको आगे बहुत नुकसान हो सकता है, उनका सोचो यार, बूढ़े माँ बाप का, भाई सगे भाई बहनों का या भाई बहनों का, दोस्तों का, परिवार वालों का,
पत्नी का, पति का, बच्चों का, इनका सोचो, इसलिए करो ये सब। पुराने वाले अपने परिवार का भी सोचते थे, सिर्फ खुद का नहीं सोचते थे। ठीक है, फिर आखिरी में तुम्हें ये भी कहना चाहूँगा कि दूध और दूध की चीज़ें हमारे खाने में बहुत ज़्यादा आती है, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, छेना, पनीर, ये सब बहुत ज़्यादा आता है हमारे खाने में। तो तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम आलसी हो कि यार कौन गाय पालेगा, कौन रोज सुबह जा कर के रोज शाम को जा कर के आंखों के सामने दूध दुआ करके लाएगा, गाय की कौन इतनी सेवा करेगा, गाय का कौन काम करेगा, या कौन इतने पैसे खर्च करेगा गाय खरीद के लाओ, फिर अगर गाय को कुछ हो गया तो और फिर उसके लिए आर्मी रखो, या फिर रोज़ आओ जाओ दूध लेके आओ। तुम अगर आलस या पैसे के बारे में इतना सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, अभी तुम आलस कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जब बीमारी आती है तो वो तुम्हारे हाथ में नहीं होती। उस वक्त तुम आलस नहीं करते, दर्द इतना होता है कि डॉक्टर के भागने में कोई आलस नहीं करता, और फिर डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, दवाइयाँ लाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, रिपोर्टें निकलवानी पड़ती है इन सब में, और फिर जो शरीर में तकलीफ हो रही है वो तो हो ही रही है, जो शरीर की तकलीफ है वो तो हो ही रही है, और ये जो हॉस्पिटल का या दवाइयों का या डॉक्टरों के चक्कर काटने का, ये जो टेस्टिंग करवाते हैं, इन सब का जो खर्चा है, ये सब भी अपने आप में, तुम जो पैसे बचा रहे थे गाय के चक्कर में या महंगा दूध खरीदने के चक्कर में, तो वो पैसे तुम्हारे वहाँ खर्च हो सकते हैं, और जो तुम आलस कर रहे थे उस आलस के बदले में तुम्हें शारीरिक तकलीफ मिल सकती है, और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम अपने आलस में अपने परिवार वालों को भी और अपनी कंजूसी में अपने परिवार वालों को भी तकलीफ दे सकते हो। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, अगर तुम्हें मेरी बातें ठीक लग रही है तो इसमें ज़रूर सोचना ना, मैं कोई दूध वाली कहानी समझ आने के बाद में मैं सामने दूध दुआ के लाना चालू कर दिया, मैंने कर दिया, और मैं आगे कुछ टाइम बाद गाय पालने के भाव रखता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो कुछ काम का लगा तो तुम चाहो कि लोग इसे देखें और समझें तो तुम इसे शेयर कर सकते हो, लाइक कमेंट भी कर सकते हो। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूँगा, नमस्कार।